एनी उमर को अपनी वालदा के घर से पिक करने के बाद अपने घर वापस आ जाती है। जैसे ही यह घर में दाखिल होती है तो अफान कहता है कि एनी आई मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है। जवाब में एनी कहती है मुझे तुम्हारा कोई सरप्राइज़ नहीं देखना ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे तंग मत करो, मैं थकी हुई हूँ। इस पर अफान कहता है प्लीज़ एक दफ़ा आकर देख तो लें, बदर बेचारे ने बहुत मेहनत की है। बदर का नाम सुनने के बाद एनी कहती है अच्छा ठीक है मैं देख लेती हूँ। ये जब स्टोर रूम में जाती है वहाँ पे स्टूडियो बना होता है। एनी हैरान हो जाती है कि ये किसने किया, बदर ने किया, क्यों बदर ने क्यों किया, किसके कहने पर किया। जवाब में अफान कहता है कि मैंने बदर को कहा था। इस पर एनी कहती है कि अफान तुम्हें क्या ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें मना किया है कि तुम मेरा ख्याल मत रखा करो, मेरी ख्वाहिशात का गला घोंट दो, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, मैं अपनी बदनामी नहीं चाहती। अब घर में किसी को भी पता चलेगा, पता तो चल ही जाएगा ना सबको, तुम्हें मालूम है कि मुझे कितनी बातें सुनना पड़ेंगी। इस पर अफान कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, जिसे जो कहना है वो कहने दे, आप जानती हैं ना कि मैं हरोज़ भाई की कितनी ख्वाहिश थी कि आप बहुत बड़ी आर्टिस्ट बने, मैंने उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए ये स्टूडियो बनवाया है, क्या आप महरोज़ भाई की ख्वाहिश को पूरा नहीं करेंगी। इस पर एनी कहती है नहीं मैं करूँगी। इतने में यहाँ एमल आ जाती है। एमल कहती है अच्छा तो अफान तुम बदर के साथ मिले हुए थे, बदर तुम्हारे कहने पे ये सब कुछ कर रहा था, इसीलिए तो मैं कहूँ कि बदर मुझसे इतनी बदतमीज़ी क्यों कर रहा है, मेरे सामने इतनी ज़ुबान क्यों चला रहा है। मैंने उससे पूछा कि तुम ये स्टोर का सामान कमरे में क्यों शिफ्ट कर रहे हो, तो उसने मुझे बताना मुनासिब ही नहीं समझा। वो कहता है कि बीबी जी अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, मुझे सख्ती से मना किया गया है। और फिर ये एनी से कहती है कि एनी तुमने मम्मी के जाते ही फिर से वही हरकतें शुरू कर दी हैं, तुम्हें ज़रा बराबर भी शर्म नहीं आती, तुम ये क्या करती फिर रही हो। जवाब में एनी अभी कुछ कहेगी तो अफान कह देता है कि भाभी मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही मैं कुछ छुप कर कह रहा हूँ, ये एनी भाभी के लिए स्टूडियो बनवाया है, बदर से मैंने कहा था कि वो अभी किसी को कुछ ना बताए क्योंकि ये एनी के लिए सरप्राइज़ था। तो एमल कहती है कि तुम एनी के लिए क्यों सरप्राइज़ तैयार कर रहे हो, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है, तुम्हें सबने कहा है तुम एनी से दूर रहो। तो अफान कहता है क्यों मैं इससे दूर रहूं, ये महरोज़ भाई की ख्वाहिश थी और मैं उनकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं, आपने जो समझना है वो समझे, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मैं महरोज़ भाई से किया हुआ वादा पूरा करूंगा, एनी की जो जो ख्वाहिशात हैं वो मैं सारी पूरी करूंगा। इतने में यहाँ दुर्दाना आ जाती है। दुर्दाना कहती है यहाँ पे क्या महफल लगी हुई है, क्या हो रहा है यहाँ पर स्टोर में, तुम लोग क्या कर रहे हो, ये सब कुछ देख के इतना बड़ा स्टूडियो। दुर्दाना कहती है ये सब किसने किया है और कब किया है, किससे पूछ कर किया है, किसकी इजाज़त से किया है। जवाब में अफान कहता है मुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, ये एनी के लिए स्टूडियो बनवाया है और आइंदा से वो यहाँ पे अपना काम करेगी। दुर्दाना कहती है कि बाजी के बाद इस घर की मैं बड़ी हूँ और मुझसे तुम लोगों ने पूछना था, उठाओ ये सब कुछ ख़त्म करो। जवाब में अफान कहता है बदर यहाँ से कोई चीज़ भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मेरे कहने पे ये स्टूडियो बना है और यहाँ पे हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए, किसी को अगर कोई मसला है तो वो यहाँ से जा सकता है। इस पर दुर्दाना कहती है वाह भाई वाह, तुम तो कैसे बदले हो, तुम्हें तो कोई लिहाज ही नहीं, इस लड़की की वजह से तुम मेरी इतनी बार इंसल्ट कर चुके हो, आ लेने दो भाजी को, वही तुम लोगों को सीधा करेगी। इधर सिदरा आयमा को फ़ोन करके बताती है कि तुम्हारी खाला ने आज मेरे साथ ये किया है, कुछ लड़कों को भेजकर मेरे चेहरे पे तेजाब फेंकवाया, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि सामने मेरे दोस्त आ गए और मैं बच गई। इस पर आयमा कहती है क्यों मेरी खाला ऐसा क्यों करेंगी, तुम तो खुद ही अफान की ज़िंदगी में से चली गई हो, इस पर मेरी खाला तुम्हारा चेहरा क्यों बिगाड़ेंगी। जवाब में सिदरा कहती है
तुम्हारी खाला ने ऐनी की वजह से मुझ पे तेजाब फेंकवाया है, उन्होंने मुझसे बदला लिया है उस दिन जो मैंने ऐनी को थप्पड़ मारने की कोशिश की थी। इस पर आयमा हैरान परेशान कि खाला तो ऐनी से नफरत करती है, वो तो उसे घर से निकालना चाहती है, फिर उसे इतनी क्यों फिक्र होने लगी ऐनी की। तो सिद्रा बताएगी, तुम्हारी खाला कहती है कि जो कुछ भी है आखिरकार ऐनी मेरे घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी बहू को कोई बीच रास्ते थप्पड़ मारने की कोशिश करे या उसकी इंसल्ट करे। इस पर आयमा कहती है, अच्छा खाला ये जो हमारे साथ मिलके ऐनी की बुराइयां करती है वो सब ड्रामा है, ये जो कुछ भी हो रहा है खाला की मर्ज़ी से हो रहा है। ये अपनी वालदा को बताएगी कि खाला चाहती ही नहीं कि मेरी शादी अफान के साथ हो, वो तो हमारे साथ खेल खेल रही है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, इस ऐनी को हमें खाला के आने से पहले पहले घर से निकालना होगा। दुर्दाना कहती है, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसे ही बाजी आए और उसे हम भड़का दें और वो फिर इस ऐनी को घर से निकाल दे। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, बाजी इस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो तो चाहती है कि कल की आई आज ही वैसे घर से निकाल दे, बल्कि दोनों बहनों को घर से निकाल दे। इधर ऐनी सबकी बातें सुनने के बाद अपने कमरे में चली जाती है नाराज़ होकर अफान से कि अफान पता नहीं क्यों मेरे लिए मुश्किलात बढ़ा रहा है। तो अफान इसे फ़ोन कर रहा होता है, ऐनी फ़ोन नहीं रिसीव करती, ये इसके कमरे में पहुंच जाता है और कहता है कि आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। इस पर ऐनी कहती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम जानते हो कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी सबकी बातें सुनना पड़ती हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि अफान तुम मेरी साइड मत लिया करो, मेरी फिक्र करना छोड़ दो, जैसे तैसे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी, खुदा के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारने दो, जीने दो मुझे अपनी ज़िंदगी। तो ऐनी कहती है, अफान तो मेरे कमरे में से ना चले जाओ। इस पर अफान अभी बात ही कर रहा होता है, ऐनी मेरी बात सुनो, जवाब में ऐनी कहती है कि अफान तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे परेशान मत करो। अफान इस वक्त तो यहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे दिन ऐनी जब जाने लगती है यूनिवर्सिटी तो अफान कहीं का ड्राइवर नहीं है, मैं आपको छोड़ कर आऊँगा। और इधर दुर्दाना होती है कि कोई बहाना मिले, कोई ऐसी वीडियो बनाऊं जो कि मैं फाखरा बाजी को भेजूं, जैसे ही वो देखेंगी गुस्से में आएंगी, तैश में आएंगी और ऐनी को निकाल देंगी। अफान जानबूझ के ऐनी के इर्द गिर्द घूमता है, कोई ना कोई बहाना दुर्दाना को मिल ही जाएगा, वो इन दोनों की वीडियो बना लेगी और फाखरा को भेज देगी। फाखरा को बहुत गुस्सा आता है, वो कहती है कि अभी तो मैंने अपना काम कंप्लीट किया भी नहीं, ये मेरे पीछे पता नहीं क्या हो रहा है, शहरयार हमें अभी जाना होगा घर वापस। जब ये घर आती है तो इधर दुर्दाना ने ऐनी को वालिद को भी बुला लिया होता है कि आप भी आएँ ज़रा अपनी बेटी के करतूत देखें, मैंने आप लोगों को बताया था लेकिन आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आया। तो फाखरा आते ही अफान से पूछती है कि तुम लोग ये क्या करते फिर रहे हो। जवाब में अफान कहता है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं, हमारा हक है, हम दोनों शादी कर सकते हैं। इस पर फाखरा गुस्से में आ जाती है और इसे मारने लगती है कि अफान तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। और वो ऐनी कितनी मासूम बनी फिरती है सबके सामने। यहाँ पर ऐनी का वालिद भी होता है, फाखरा ऐनी के वालिद से कहती है, देख लिया आपने अपनी बेटी के करतूतों को, वो क्या करती फिर रही है, उसे ज़रा बराबर भी शर्म नहीं है कि वो बेवा है और अपने देवर के साथ वो चक्कर चला रही है, ऐसी की है आपने अपनी बेटी की तरबियत, अभी मैं कुछ दिन हुए घर से गई और इन्होंने क्या क्या चांद चढ़ा दिए हैं। यहाँ पर आयमा भी खड़ी होती है, वो खुश होती है, शुक्र है कि बाबा के सामने ऐनी की असलियत आई है, वरना वो लोग तो मुझे ही बुरा समझ रहे थे, अब इन्हें पता चला है कि ऐनी गलत है और इस घर में सब ऐनी और अफान के बारे में किस तरह तरह की बातें कर रहे हैं। फाखरा ऐनी के वाले से कहती है, आप अपनी बेटी का बाजू पकड़ें और इसे यहाँ से ले जाएं, मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली है इसकी हरकतें
और अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। एनी का वालिद कहता है, फाखरा बहन आपको कोई गलती हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों ने मजबूर कर दिया है अफान को, तभी ये ऐसी बात कर रहा है। मेरी बेटी के दिल में अफान के लिए कुछ भी नहीं है, आप अपने बेटे को संभालें। वो अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ सोच रहा है, इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं। जवाब में फाखरा कहती है, आपकी बेटी ने ही इसे शह दी है, इसीलिए ये इस तरह की बातें कर रहा है। पकड़े इसका बाजू एनी का और इसे घर ले जाएं। एनी कहती है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, ये मेरे शौहर का घर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। फाखरा कहती है, अच्छा बड़ी आई शौहर वाली, चलो यहाँ से चलती बनो, देखती हूँ कि तुम यहाँ से कैसे नहीं जाती। तो एनी का वालिद कहता है, बेटा सब्र करो, इस वक्त तुम मेरे साथ चलो, अब तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है।